Hello, welcome back to my channel Savage Queen Ariana. I'm back with my another video. So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Elite Pass Anniversary की. जी हाँ, हम बिल्कुल भी Free Fire Anniversary की बात नहीं कर रहे हैं, Elite Pass Anniversary की बात करेंगे. एंड ये न्यू व्हीकल की स्किन की बात करेंगे, कौन सी इवेंट में आपको देखने को मिलेगा. एंड हम हिप हॉप बंडल की बात करेंगे, यानी सीजन 1 से 6 तक की Elite Pass की बात करने वाले. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, नेक्स्ट इंक्यूबेटर में आप लोगों को MP5 की स्किन दिखाई देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा OP MP5 की स्किन है. तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं. एंड ये सब देखने को मिलने वाला है आप लोगों को. एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ब्रेक डांस बंडल, तो आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन पहले ब्रेक डांस बंडल यूट्यूबरों को दिया गया था गिव अवे करने के लिए, यानी वो जो भी सब्सक्राइबर को देना चाहे उन्हें दे सकते हैं ब्रेक डांस बंडल का कोड. एंड उसके मेल बॉक्स में आएगा एक ब्रेक डांस बंडल. तो ये जो ब्रेक डांस बंडल है, इसे कहा जा रहा है वापस ये हमारे सर्वर में दिया जाएगा, जैसे कि ग्रीन क्रिमिनल दिया है. और ग्रीन क्रिमिनल देने के बाद जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं जिनके पास ग्रीन क्रिमिनल है, उनको तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. अब उनका दिन रात वो ये सोचते रहते हैं जो फ्री फायर पता नहीं कब उनका हिप हॉप बंडल और सीज़न 1 से 6 तक का लाइट पास दे देंगे, एंड जो रेयर है वो नहीं रहेगा. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. फिलहाल आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है ये आएगा, मतलब स्किन कुछ इस टाइप के इवेंट में आएगा. और टॉप अप इवेंट में भी आप लोगों को इसकी स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आप टॉप अप करेंगे देन उसके बाद आप इसकी स्किन निकाल सकते हैं नॉर्मली. तो इसकी जो 3 स्किन्स अभी दिखाई दी है, ब्लू, गोल्डन एंड एक पिंक कलर की, तो ये आप लोगों को अलग अलग इवेंट में एंड अलग अलग तरीके, मतलब हर स्किन के लिए आपको अलग प्राइस लगेगा, डायमंड लगेगा. एंड इन सब जितने भी गन की स्किन, सॉरी गन कह रही हूँ, व्हीकल की स्किन है, इसके अंदर आप लोगों को स्पीड एट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा. सो गाइस, ये है हमारे मैक्स का रिवॉर्ड फ्री फायर मैक्स का. ये आप लोगों को पता होगा, जिसने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है गूगल प्ले पे जाकर के कर लो, और फ्री फायर मैक्स लिख करके आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा और प्री रजिस्ट्रेशन कर लेना. प्री रजिस्ट्रेशन का रिवॉर्ड सबको मिलने वाला, जितने भी फ्री फायर प्लेयर्स हैं सबको मिलेगा, लेकिन जिसने रजिस्टर करा है सिर्फ उनको ऐसा कहा जा रहा है फ्री फायर, मतलब लिख मैंशन कर रहे हैं प्री रजिस्टर करो एंड रिवॉर्ड पाओ. तो आप प्री रजिस्टर जरूर कर लेना एंड काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स हैं. तो ये सब आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में. और कलर भी अच्छा है, अच्छे बंडल्स हैं, मतलब मैक्स का बंडल ठीक है, ठीक ठाक दे रहा है फ्री फायर. सो गाइस, मैंने अभी ये बात किया था, आप लोगों को बताया था, ये एक लूट क्रेट भी मिलेगा एंड जिसके ऊपर मैक्स लिखा है, एक स्केटबोर्ड जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल बेकार सा और ज़्यादा कुछ खास नहीं है. अब ये ब्लू वाला जो आप देख सकते हैं व्हीकल की स्किन, ये भी आपको देखने को मिलेगा और चलते वक्त कुछ ऐसा दिखेगा. सो इसको थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं. तो ये हैं, तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था और यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप देती हूँ. जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनको ये पता होना चाहिए जो आखिर फ्यूचर में क्या आने वाला है, अप टू डेट रहना चाहिए. सो ये है नेक्स्ट व्हीकल की स्किन, काफ़ी अच्छी दिख रही है, कूल दिख रहा है अगर आप इस तरीके से आप इसे देखोगे तो. अब हम बात करते हैं 3-in-1 इंक्यूबेटर की, मैंने बात किया था जिसमें आप लोगों को कुछ गन की स्किन्स मिलेंगी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी गन की स्किन्स है. तो ये सारे आपको 3-in-1 इंक्यूबेटर में मिलेगा, यानी 3 टाइप के इंक्यूबेटर एक ही इंक्यूबेटर के अंदर मिलेगा, यानी स्कार्ड का जो इंक्यूबेटर में आया था वो भी, AK का भी एंड फार्मस का भी. तो ये सब आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेगा एंड ये सारे पुराने रेयर इंक्यूबेटर्स हैं जो कि आप लोगों को वापस देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है फ्री फायर का. एंड आप लोगों को ओल्ड जो डिनो बंडल था वो भी आप लोगों को मिलेगा किसी ना किसी इवेंट में. तो मतलब जितने भी पुराने रेयर और अब तक जो नहीं आए हैं वो सारे बंडल रिटर्न आएगा एंड ये सब आप लोगों को मिलने वाला है. तो बहुत एक्साइटेड हैं ये सारे लीक देख करके. साइनिस गैरेज बहुत टाइम से नहीं आया है, तो आप लोगों को एक और इवेंट देखने को मिलेगा जिसमें डिस्काउंट होगा सानिस गैरेज में, एंड इस पर आपके लक के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा. हैकर स्टोर यानी मोको स्टोर, वो भी आप लोगों को अभी नहीं मिला बहुत टाइम से, तो मे बी वो भी आपको देखने को मिलेगा. एंड अभी तो एक मंथ में दो हमारा मिस्टीरियस शॉप आ गया, उसको ही देख करके हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं एंड देखते हैं फ्री फायर और क्या क्या देने वाला है. टॉप अप इवेंट भी बहुत टाइम से नहीं आया, यानी टॉप अप डायमंड टॉप अप पे आप लोगों को डिस्काउंट, तो कुछ इस तरीके का भी आपको इवेंट दिखाई देगा जिसमें डायमंड टॉप अप पे डिस्काउंट मिलेगा. सो एक अच्छी चीज़ रहेगी, मैं भी इस चीज़ का वेट कर रही हूँ. सो गाइस, नेक्स्ट वन जैसे कि आप देख सकते हो
ये तो ये भी आपको इनक्यूबेटर में दिखाई देगा, ये भी रिटर्न आएगा एक ये वाला, एंड वापस आप इसे ले सकते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड 3-in-1 इनक्यूबेटर और जितने भी पुराने इनक्यूबेटर्स थे वो सारे वापस आने वाले, क्या क्या वापस आएगा उसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये है एक, एंड एक के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। फार्मर्स की स्किन जो कि आप लोगों को याद होगा, आप इसका शक्ल देखोगे तो याद आ जाएगा ये कौन सा फार्मर्स है एंड ये कब आया था, और इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मस है ये, तो ये फेमस फार्मस, वाओ अच्छा साउंड कर रहा है, इसका नाम रख सकते हैं ये। सो ये वाला फार्मस की स्किन भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जो कि वापस रिटर्न आएगा, एंड ये सब तो मिलेगा ही। साथ में आप लोगों को याद होगा ये ब्लू फीस्ट जो कि दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप लोगों को मिलेगा। एंड ये जो आप सकुरा वाला बंडल देख रहे हैं ये भी सीजन 1 से 6 तक की लाइट पास में अल्टीमेट रिकट में मिलेगा, जो कि फ्री फायर का लाइट पास का एनिवर्सरी होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर बंडल था, इसको एक यूट्यूबर्स गिव अवे में भी दे रहे थे, याद होगा अगर आप लोगों को ब्लैक कलर का ये टी शर्ट या शर्ट जो भी है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेप अप इवेंट में दिखाया जा रहा है इसे बहुत टाइम से, तो इस इवेंट में आप लोगों को मिलेगा। और स्टेप अप इवेंट अभी बहुत टाइम से नहीं आया है हमारे गेम में, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब इसमें ये बंडल ब्लैक वाला देखने को मिल जाएगा, और इसके बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी है जिनके पास ये बंडल है वो बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ करते हैं, हमेशा ऐसे को पहन करके रहते हैं, तो ये आने के बाद उनका बंडल बहुत आम हो जाने वाला है, क्योंकि स्टेप अप इवेंट में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट में ये बंडल मतलब सबको सब खरीदने वाले हैं। हाँ, अगर बिना डिस्काउंट के आता है और किसी ऐसे इवेंट में आता है जिसमें टोकन कलेक्ट करने के बाद आप इसे क्लेम कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा डायमंड जाएगा, और हो सकता है जो इतना ज़्यादा ये वो ना हो, मतलब हर बंदे के पास ना हो, लेकिन फिर भी बाय करने वाले बाय तो ज़रूर करेंगे इसे। सो ये इवेंट आने वाला है, और इसमें स्टेप अप इवेंट में 3 स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये वाले इवेंट आप जैसे कि देख सकते हो, पहले 79 का डिस्काउंट आया था, देन उसके बाद 6 का डिस्काउंट आया, तो 79+6 ऐसे करके काउंट करके नेक्स्ट स्टेप की ओर जाता है, एंड फाइनली आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है तीनों स्टेप का वो मिलता है, यानी यहाँ पे हमको मिला है टोटल 85 का डिस्काउंट। अब 85 के डिस्काउंट पे आपको यहाँ पे जो भी बंडल या वट एवर जो भी आपको बाय करना है आप वो कर सकते हैं। खैर, इस इवेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा, इतना डिटेल के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इवेंट के ओर, जो कि है हमारा पोकर MP40। सो गाइस, ये भी आप लोगों को कई बार रिटर्न दे चुके हैं फ्री फायर, एंड अगेन आप लोगों को देखने को मिलेगा पोकर MP40, और इस पोकर MP40 को जिसका मतलब जिसने नहीं लिया है वो वापस इस पोकर MP40 को ले सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा MP40 है ये पोकर वाला। सो खास करके मतलब ये लो। सो गाइज, जैसे कि आप ये इंक्यूबेटर देख सकते हो, और ये इंक्यूबेटर का जो फीमेल बंडल है ना वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और ये इसकी मतलब पूरा बंडल मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका फीमेल, एंड इसके मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आर्टिक ब्लू बंडल भी इसी बंडल का एक पार्ट माना जाता है, जो कि मेल बंडल है उसका बिल्कुल डिटो वैसा ही है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो बंडल भी वापस आएगा, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे वो इनक्यूबेटर का फीमेल बंडल चाहिए। एंड ये तो आप लोगों का याद ही होगा जोकर वाला रेड एंड ब्लैक, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों का फेवरेट, ये है अल्टीमेट रिकट वाला जो इवेंट है, इसमें आपको 1 से 6 तक के लाइट पास वापस मिलेगा, और ये मिलेगा कब, इसे कहा जा रहा है फ्री फायर के एनिवर्सरी पे मिलेगा, जो सॉरी फ्री फायर नहीं लाइट पास एनिवर्सरी पे मिलेगा। लाइट पास एनिवर्सरी क्या होता है, बस लाइट पास एनिवर्सरी हम उसे मान करके फिलहाल चल रहे हैं जब फ्री फायर ने फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी मतलब कोई लाइट पास का सीज़न लॉन्च किया हो, जैसे कि पहला सकुरा वाला बंडल जो है लाइट पास और सीज़न 1 का जब लाइट पास लॉन्च किया होगा वो माना जाता है फ्री फायर का एनिवर्सरी डेट। तो आखिर फ्री फायर ने, मेरे को जहाँ तक याद है, फ्री फायर ने 3 वाला मतलब सीज़न 3 का लाइट पास जब लॉन्च किया था तब था जुलाई 29। तो अगर हम पीछे करें तो मई में होगा हमारा सीज़न 1 लॉन्च, तो यानी मई 2018 को फ्री फायर ने लॉन्च किया था पहला एलाइट पास। तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में मे बी फ्री फायर का एनिवर्सरी
जो इलाइट पास एनिवर्सरी होगा उसमें आप लोगों को ये दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं चला गया, अभी अगस्त चल सितंबर आ गया है, सितंबर चल रहा है, तो अभी आप लोगों को अगले साल का वेट करना पड़ेगा। इस साल आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा जहाँ तक अगर लीक्स की बात करें तो, क्योंकि लीक्स में भी यही लिखा गया है फ्री फायर इलाइट पास एनिवर्सरी का, उसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इलाइट पास एनिवर्सरी अब अगले साल आएगा मई में और तभी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो Ariana37 सर्च करके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम एंड और डिस्कॉर्ड का।